नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। मोदी सरकार ने निर्यात को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसको लेकर देश विदेश में चर्चा हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में चावल की खरीद के लिए अफरा तफरी का माहौल है। इसे लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट्स ने चावल की खरीद को लेकर एक सीमा तय कर दी है, जिससे चावल की पैनिक खरीदारी को रोका जा सके। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत से आग्रह किया है कि वो गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को जल्द ही हटा दे। IMF का कहना है कि ऐसे फैसले पूरी दुनिया में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिंचस ने कहा कि इस प्रकार के प्रतिबंधों से दुनिया के बाकी देशों में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। उनका कहना है भारत के प्रतिबंध का वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि रूस यूक्रेन के बीच काला सागर समझौता टूटने से हो रहा है। गेहूं के शीर्ष निर्यातकों में शामिल यूक्रेन काला सागर के जरिए अपना गेहूं विश्व बाजार में भेजता है, लेकिन हाल ही में रूस ने समझौते को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से अचानक से गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2023 में वैश्विक अनाज की कीमतें 10-15% तक बढ़ सकती है। उन्होंने कहा यह निश्चित रूप से ऐसी कुछ चीज़ों में शामिल है जिन्हें हम इस प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रतिबंध विश्व स्तर पर हानिकारक हो सकते हैं। वहीं रिसर्च डिपार्टमेंट के डिवीजन चीफ डेनियल का कहना है कि अगर भारत की तरह दुनिया के बाकी देश भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने लगे तो वैश्विक महंगाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, अगर भारत के साथ साथ दूसरे देश भी सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने लगे, हम समझते हैं कि भारत की घरेलू ज़रूरतें हैं, लेकिन अगर आप इसके वैश्विक प्रभाव को देखते हैं तो ये महंगाई को बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए हमारा मानना ये है कि इस तरह के प्रतिबंधों को जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें, जब से भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाई है, तब से ही अमेरिका के सुपरमार्केट्स में लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग सस्ते चावल को खरीद कर स्टोर कर लेना चाहते हैं और एक बार में ही 10-10 पैकेट खरीद रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी दुकानों ने चावल खरीद की सीमा तय कर दी है, जिसके बाद अब एक परिवार एक चावल का पैकेट ही खरीद पाएगा। अब कई लोगों के मन में सवाल भी होंगे कि भारत ने चावल का निर्यात क्यों रोक दिया। दरअसल भारत सरकार ने फेस्टिवल के दौरान घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 20 जुलाई को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। बता दें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत ने साल 2022-23 में चावल के वैश्विक निर्यात में 40% का योगदान दिया था। वहीं इस मामले को लेकर खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रतिबंध उसना चावल के निर्यात पर नहीं है। 2022-23 में भारत के गैर बासमती सफ़ेद चावल का कुल निर्यात $22 लाख था, जबकि पिछले साल निर्यात $26 लाख का था। इससे साफ है कि भारत बड़े स्तर पर चावल का निर्यात करता है। त्यौहार को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए punjabkesari.com।